नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। सर्दी के मौसम में बाजार में बहुत अच्छी फूलगोभी आती है, हम सभी इसकी सब्जी पसंद करते हैं। आज हम फूलगोभी का अचार बनाएंगे, बहुत अच्छा अचार बनता है। तो आइए फूलगोभी का अचार बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 750 ग्राम फूलगोभी लिया है, एक अच्छा बड़ा फूल ले लिया है। सबसे पहले हम फूल गोभी को फ्लोरेट करेंगे। गोभी का डंठल काट करके अलग कर देंगे। बहुत ज़्यादा बड़े पीसेस नहीं रखेंगे, तो इस तरीके से हम सारे गोभी को फ्लोरेट करके तैयार कर लेते हैं। अब हम इसे नमक के पानी में डाल करके 10 मिनट रखेंगे। तो ये हमारे पास प्याला है, इसमें हम पानी ले लेंगे। जितने पानी में गोभी पूरी तरीके से डूब सके। ये हमने 2 छोटे चम्मच नमक लिया है, नमक को पानी में डाल देंगे, क्योंकि गोभी को हमें अच्छे तरीके से साफ करना है। नमक के पानी में गोभी को रखने से इसके सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। तो अब ये गोभी के टुकड़े हम इस पानी में डाल देंगे और पूरे 10 मिनट तक इन्हें डूबे रहने देंगे। ऐसा करने से गोभी की बहुत अच्छे तरीके से सफाई हो जाती है, इसके सारे बैक्टीरियाज खत्म हो जाते हैं। 10 मिनट हो गए और अब हम गोभी को अच्छे तरीके से धोकर पानी में से निकाल लेंगे। गोभी को हम एक बार और धो लेते हैं। पहले हमने गोभी को नमक के पानी में भिगो करके धो लिया, इसके बाद बिल्कुल सादा पानी में धो करके निकाल लिया। गोभी एकदम अच्छे तरीके से साफ हो गई। अब हम गोभी को ब्लांच करेंगे। तो गोभी को ब्लांच करने के लिए हमने भगोने में पानी उबलने रख दिया था। पानी में अच्छा उबाल आ रहा है, उबलते पानी में हम गोभी के टुकड़ों को डालेंगे और इसे ढक देते हैं और घड़ी से देखकर 3 मिनट इसे उबलने देते हैं। 3 मिनट हो गए हैं, गैस बंद कर देते हैं और गोभी को हम छलनी में निकाल लेंगे ताकि उससे पानी निकल जाए। तो गोभी को हम निकाल करके छलनी में रखेंगे। ये गोभी को हमने छलनी में रख दिया, एक्स्ट्रा पानी सारा नीचे प्याले में आ जाएगा। अब हम एक ट्रे में कोई भी साफ सूती कपड़ा बिछा करके गोभी को कपड़े के ऊपर डालेंगे। अच्छे तरीके से हम इसे फैला देते हैं इकहरा, और गोभी को हम 2 घंटे के लिए धूप में रखेंगे। इसके बाद हम इसका अचार बनाएंगे। गोभी हमने अच्छे तरीके से सुखा लिया है, पूरा हमने 3 घंटे तक इसे धूप में रखा है। गोभी तैयार हो गया है सूख करके। अब हम इसका अचार बनाएंगे। अचार बनाने के लिए हमने ये तेल मसाले निकाल कर तैयार कर लिए हैं। अब हम अचार बनाएंगे। सरसों का तेल लिया है हमने, हम इसे थोड़ा सा गर्म करेंगे। तो हम इसे पैन में गर्म होने के लिए रख देते हैं और गोभी के टुकड़ों को इस प्याले में डाल देते हैं। तेल अच्छा गर्म हो गया है, धुआं उठ रहा है तेल से, गैस बंद कर देते हैं और तेल को थोड़ा ठंडा होने देते हैं। तेल को हम इसलिए गर्म करते हैं क्योंकि सरसों का तेल बहुत ज़्यादा तीखा होता है, तो कुछ लोगों को सरसों के तेल का तीखापन पसंद नहीं आता। अगर आपको सरसों के तेल का तीखापन पसंद है तो इसे आप गर्म ना करें, ऐसे भी डाल सकते हैं। पहले हम गोभी में मसाले डाल देते हैं। नमक 2 छोटे चम्मच, सरसों का दरदरा कुटा पाउडर 2 छोटे चम्मच, सौंफ दरदरा कुटा पाउडर 2 छोटे चम्मच, मेथी दरदरा कुटा पाउडर 1 छोटी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 छोटी चम्मच, हल्दी पाउडर 1 छोटी चम्मच, हींग 1 बड़ी पिंच और 2 टेबल स्पून सिरका। वाइट सिरका ले सकते हैं, कोई भी सिरका लिया जा सकता है।
सिरका से अचार में स्वाद अच्छा आ जाता है और अचार लंबे समय तक चलते भी हैं। और अब हम ये तेल डाल देते हैं और सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिलने तक मिक्स कर देते हैं। गोभी का अचार बनकर तैयार है। बहुत अच्छा अचार बना है। अचार को हम अभी भी खा सकते हैं, लेकिन अचार का असली स्वाद आपको तीसरे दिन मिलेगा, जब तक सारे मसाले गोभी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अचार को ठंडा होने के बाद किसी भी कंटेनर में भरकर रख लीजिए और उसे दूसरे दिन सूखे चमचे से चला दीजिए और तीसरे दिन से आप अचार खाना शुरू कर दीजिए। बहुत ही अच्छा अचार बना है। गोभी के अचार को महीने भर से भी ज़्यादा, पूरे 2 महीने 3 महीने तक रख करके खाया जा सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है जब आप अचार निकाल रहे हों तो साफ और सूखी चम्मच का यूज करें और अचार को जिस कंटेनर में आप भर कर रख रहे हैं उसे पहले उबलते पानी से धो लें, अच्छे तरीके से धूप में सुखा लें या ओवन में सुखा लें, कंटेनर के अंदर कैसी भी कोई भी नमी नहीं रहनी चाहिए, बहुत दिनों तक चलते हैं अचार। तो आप ये गोभी का अचार बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।